दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और उसे एडिट करते हैं और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसे अपलोड करते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ टिकटॉक, तो टिकटॉक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर इंडिया में बंद हो चुका है, तो जो कि आप इसे दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी बात करूँ यहाँ पर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम और फेसबुक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियो अपलोड भी करते होंगे। तो यहाँ पर आप कुछ 10-15 सेकेंड की वीडियो जो बनाते हैं और उसे आप एडिट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के जरिए, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सिंपली इफेक्ट्स मिलते हैं और आप यहाँ पर सिंपली नाम ऐड कर पाते हैं अपना, और आपको अलग अलग फंड्स नहीं मिलते जो जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो कि जैसे कि मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, यहाँ पर आपको जो टाइम चाहिए होता है वो 10-15 सेकंड से ज़्यादा चाहिए, 3 मिनट या ज़्यादा, लेकिन आपको उस एप्लीकेशन में इससे ज़्यादा एडिटिंग करने के लिए नहीं मिलता है। और जो आप एडवांस एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वो आपको उस एप्लीकेशन में नहीं मिल पाती। जैसे कि आप मूवी वगैरह में इफेक्ट्स देखते हैं, वो आप लगाना चाहते हैं तो आप उसे नहीं लगा पाते हैं। तो कुछ इस तरह की मैं एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसका यूज करके आप ये सारे इफेक्ट्स लगा पाएंगे और आप प्रोफेशनल वीडियो यहाँ पर बना पाएंगे। तो ये सब कैसे करेंगे, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो एप्लीकेशन क्या है और किस तरह से उसका रोल होने वाला है यहाँ पर। तो जैसे कि आप छोटे छोटे इफेक्ट 10-15 सेकंड बनाते हैं, तो बहुत जल्दी उसे भी बना पाएंगे कुछ ही सेकंड में। और आप उस पर एडवांस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो प्रोजेक्ट फाइल होगी वो डायरेक्टली आपको कायन मास्टर में शेयर कर देना है। तो जो ये एप्लीकेशन है वो कायन मास्टर कॉर्पोरेशन की तरफ से लाई गई है, जिसमें आप बहुत ही सिंपली तरह से यहाँ पर अपने स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, और एडवांस चाहते हैं तो वो आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर करके बना सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ पर साथ ही बात करूँ, जो भी आप अपने वीडियो एडिटिंग में जो भी स्टेटस वीडियो बनाते हैं या आप कुछ बड़े वीडियोज बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने अनुसार कलर्स, आपको वहाँ पर फायर मैक्स वगैरह तरह के जो भी वीडियो बनाने होते हैं, या आपने कहीं आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं या आप कहीं भी एक संडे ट्रिप पे जाते हैं, तो उस तरह के आपको वीडियो के लिए म्यूजिक चाहिए होते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं। और आप जो भी एडवांस की चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट्स देके बनाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलते, लेकिन आपको इस एप्लीकेशन के जरिए आप प्रोजेक्ट फाइल को अपने अनुसार सेट भी कर पाएंगे, और जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है आप उसे शेयर करके कैन मास्टर में डायरेक्टली वहाँ पर हर तरह के इफेक्ट्स लगा पाएंगे और जितनी भी टाइम की चाहें लंबी वीडियो बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको स्पेशल इफेक्ट मिल जाता है क्रोमा की, अगर आप यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड में कोई भी यहाँ पर वीडियो बनाते हैं तो उसको डायरेक्ट क्रोमा की का यूज करके आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं और आप इसे ज़्यादा यूनिक बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एडवांस वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो कुछ समय बाद आपको मेरे आने वाली वीडियो में दिख जाएगा, जहाँ पर आप उस तरह की भी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको सब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम सुमित मौर्य, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो वीडियो आती हैं वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, तो आपको मेरे सब डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, तो जो कि यहाँ पर कायन मास्टर की तरफ से दी गई है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपना प्ले स्टोर खोल लेना है और इंटरनेट ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है, यहाँ पर लिख देना है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है बीट सिंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना लिख देना है, टाइप कर देना है, और यहाँ पर आपको इस तरह से एक एप्लीकेशन दिख जाएगी और उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ओपन मांगेगा और ओपन कर लेना है आपको। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसका ब्रांडिंग नेम दिखेगा, यहाँ पर आपको अलाउ मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर ये आपको अलाउ करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर इफेक्ट चालू हो जाएंगे, तो जो कि यहाँ पर आप इस तरह के इफेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर स्वीप अप करने के लिए मांगेगा, तो आप स्वीप अप करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर योर कलर्स वगैरह एडवांस मिल जाते हैं। उसके बाद एक बार स्वीप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग इफेक्ट्स, मूवमेंट्स वगैरह तरह के जो भी इफेक्ट्स वो देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आप जब स्वीप वीडियो जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टाइल नी डीजे जो टाइप के वीडियो हैं वो सब मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक प्लस का निशान दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर प्लस पर क्लिक करते हैं, इस तरह से यहाँ पर आपको फोटोज है वो सारे आ जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपने कहीं पर रख रखे हैं अपने फोटो, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर आल फोटोज़ पर क्लिक करना है, और आप जिस तरह से यहाँ पर अपने फोटो चाहते हैं, जिस जगह पर भी आपने रख रखे हैं, वो आपको यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी और आप डायरेक्टली वहाँ से फोटो उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको फोटो है जहाँ पर भी हैं वो सारे आपको फोटो उठा लेने हैं, और आपको जो भी फोटो लगाने हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मली, और आपको इस तरह से यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लेने जितनी फोटो चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे आपको आवाज़ आ रही है इस तरह से यहाँ पर आपको जो भी इफेक्ट्स हैं सिंपल नॉर्मली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ, और इस तरह से यहाँ पर आपको जो भी इफेक्ट्स लगाने हैं, तो यहाँ पर कुछ सेकंड में ये जो आपका वीडियो है वो तैयार हो जा रहा है।
जो कि आपको सिंपली 10, 15, 20 सेकंड जो भी बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन आप इसके बाद जो चाहते हैं वीडियो, आप अगर 3 मिनट का चाहते हैं या उससे भी ज़्यादा चाहते हैं, या आप इस पर किसी भी स्पेशल तरह के इफेक्ट्स या एडवांस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दो आइकन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ साइड से कॉर्नर पर, ठीक है, यहाँ पर दो आइकन दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से आपको दिख जाएंगे। तो जो आपको वीडियो क्लिप है वो ऑलरेडी चलती रहेगी। तो जो काइनमास्टर है तो आप काइनमास्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट फाइल के लिए यहाँ पर मांगेगा शेयर करने के लिए, तो यहाँ दी प्रोजेक्ट विल बी ओपनेड इन काइनमास्टर ऐप, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर वो आपको यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो शेयर कर देगा और वहाँ पर कुछ एडवांस कर पाएंगे। लेकिन आपको चाहते हैं कि यहाँ पर ही जो आपने वीडियो बनाया है वो आपको 10-15 ही सेकंड का चाहिए, और आप उसे चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मेट अलग चाहिए, तो यहाँ पर जैसे कि अभी यहाँ ट्विटर दे रखा है, आप यूट्यूब के लिए चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी डिस्प्ले इस तरह से हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर फुल जैसे कि आप इंस्टाग्राम के लिए आपको 1.1 का रेशियो दिख रहा है, और इसके बाद आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टिकटॉक का रेशियो या फुल स्क्रीन किसी भी प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो वर्टिकल में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो फुल यहाँ पर वर्टिकल आपको मिलता ही है, और इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया काइनमास्टर का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो ओके बटन मांग रहा है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो फाइल ओपन करने के लिए मांगेगा। तो जैसे आपको इस पर क्लिक किया है, आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपके जो मोबाइल है उसमें काइनमास्टर की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके रखना है, तब डायरेक्टली आप जाएंगे वहाँ पर आपको अलाउ मांगेगा कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ मांगेगा, डाउनलोड आर असिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी फाइल वहाँ पर थी तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए मांगेगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है, और आपको सिर्फ क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरह से फाइल डाउनलोड यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो आपका वो यहाँ पर शेयर हो जाएगा, ठीक है, जो वहाँ पर आप एडिटिंग कर रहे थे। तो यहाँ इंस्टॉलेशन यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा आपको, बीट सिंगर नाम भी आएगा, ओल्ड फंक वगैरह, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ सेकंड लेगा। जितने भी आपने फोटो वगैरह सिलेक्ट कर रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपलोड कर लेगा। ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ सेकंड लगेंगे, उसके बाद यहाँ आप एडिटिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एडिटिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मोबाइल आपको इस तरह से कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो एडिटिंग के लिए टूल्स दिख रहे हैं, जैसे की बात करूँ यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन आएगा, तो आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है। तो मीडिया से आप जैसे कोई फोटो और ऐड करना चाहते हैं, या कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, या कोई आप म्यूजिक आप वीडियो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो वीडियो के लिए आप सिंपल एक ऑडियो का भी ऑप्शन दे रखा है, तो आपको कोई MP3 वगैरह ऐड करना है तो जो भी आपने फाइल डाउनलोड कर रखी है MP3 की वो यहाँ डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। फोल्डर में जाना है आपको, डायरेक्टली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रेस का ऑप्शन आएगा, प्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐड करने के बाद आप उसको प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर प्ले का भी ऑप्शन दिया है, तो वो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेयर पर फिर से टाइप करना है, और यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन मिलेगा, लेयर के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, इफेक्ट्स आपको यहाँ कुछ बेसिक दे रखे हैं, तो फ्रेंड उसके लिए आपको यहाँ पर एक गेट मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे इफेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए मिलेगा जो आप अपने अनुसार सेट करके लगाना चाहते हैं, या आपके जो दिमाग में चल रहा है आपको यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, तो वो सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको प्रीमियम भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फ्री में वो सारे इफेक्ट्स भी मिल पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। अगर आप यहाँ परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्री में भी बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अधिकतर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे जो भी आपको यहाँ पर इफेक्ट चाहिए, और उसके बाद आपको जो ट्रांजेक्शन लगाने हैं, जैसे आप चाहते हैं कोई वीडियो आपका चेंज हो रहा है, तो जैसे आप चाहते हैं कोई आपका फोटो चेंज हो तो वहाँ बीच में कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन आए जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, तो वो सारे आपको एलिप्स वगैरह इस टाइप के, वन वगैरह टाइप के मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ओवरले टाइप के कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि एनिमेशन की बात करूँ यहाँ पर स्टिकर्स हैं, और आपको टेक्स्ट टाइटल के लिए कुछ इफेक्ट्स मिल जाते हैं, तो वो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले पर यहाँ पर दिख रहा हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एडवांस फंड मिलते हैं जो कि आपको और किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलते होंगे। तो आपको सेरिफ डिस्प्ले, हैंड राइटिंग, जापान जिस तरह की भी आपको हैंड राइटिंग चाहिए वो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद यहाँ म्यूजिक की बात करूँ तो कुछ म्यूजिक यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन मिले, लेकिन आप चाहते हैं कोई एप्लीकेशन, लेकिन अगर आप यहाँ चाहते हैं जो आपने म्यूजिक डाउनलोड कर रखा है आप उसे ही लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है तो वो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ एडवांस
म्यूजिक भी मिल जाता है। तो यहाँ मैं कट कर देता हूँ, और अगर आपको कोई डाउनलोड कैसे करना है तो वो भी मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। यानी आप कोई भी आप इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो ड्राइवर, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक पर आप जब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यहाँ इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये आपकी डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको जैसे डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से दिखाएगा। उसके बाद अब उसे आप लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इफेक्ट्स को क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको प्ले करना है वीडियो, अब वो आपको इफेक्ट दिखाई दे जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, तो इस तरह के कुछ एडवांस आपको यहाँ पर इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड इन्हें कर सकते हैं, तो आप जिस भी तरह के यहाँ पर इफेक्ट डाउनलोड करेंगे उस तरह से आप लगा पाएंगे। और बाकी जब आप कुछ भी डाउनलोड कर लेंगे यहाँ जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है। आपको मीडिया से रिलेटेड कुछ आपने डाउनलोड किया वो मिल जाएगा। इफेक्ट्स आपने जो भी यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन में मिल जाएगा, और ओवरले में आपने जो भी डाउनलोड किए हैं जो भी यहाँ पर इफेक्ट्स डाउनलोड किए वो मिल जाएंगे, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद टेक्स्ट जो भी लगाना चाहते हैं जो भी आप डाउनलोड करेंगे वो यहाँ मिल जाएंगे, और आप हैंडराइटिंग में कुछ देना चाहते हैं तो हैंडराइटिंग के ऑप्शन पर मिल जाएंगे। बात करूँ यहाँ पर कोई वॉइस का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप कुछ अपनी तरफ से डायरेक्ट बोलना चाहते हैं तो आपको वॉइस के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके मांगेगा और डायरेक्ट यहाँ पर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। आपको स्टॉप कर देना है, स्टॉप करके ही यहाँ पर डायरेक्ट जो आपने आपने बोला है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको अपने अनुसार यहाँ पर ऑडियो भी लगा सकते हैं। स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपने कोई रेडीमेड उसके बाद आपने खुद का कोई म्यूजिक डाउनलोड कर रखा है तो ऑडियो के ऑप्शन में जा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको शेयर करने के बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा नीचे की तरफ, उस पर आपको इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मीडिया से रिलेटेड कोई फाइल है तो डायरेक्ट आपको मीडिया का ऑप्शन ऊपर मिल जाता है, वहाँ से कोई भी आपको फाइल ऐड करनी है तो कैसे करनी मैं बता देता हूँ। तो आपको मैं जो यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐड करना है तो जहाँ पर आपको ऐड करना है उस पर क्लिक कर लेना है, उसके बीच में ऐड करना है तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मुझे लास्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर, और स्टार्ट में करना है तो स्टार्ट पे आपको सेट कर लेना है। उसके बाद क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से फाइल को आपको लेना है, उस पर सिलेक्ट करना है और आपको डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर लेगा फाइल, ठीक है। तो आप आ जाएगी, तो इस तरह से आप प्ले करेंगे तो प्ले भी हो जाएगा, आपने सॉन्ग लगा रखा है तो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं म्यूजिक इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कॉपीराइट स्ट्राइक का रहता है। इस तरह से आपको यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक बात की थी, यहाँ पर क्रोमा की जो आपको एडवांस ऑप्शन मिलता है वो आप कैसे यूज करेंगे, तो मैं आपको वो यूज़ करके दिखा देता हूँ कि आपको उन ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पे जाना है और आपको फिर मीडिया के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। मीडिया के ऑप्शन पे आप जब करेंगे तो वो लेयर के नीचे आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मीडिया पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से कोई फाइल ऐड करते हैं तो वो आपको फर्स्ट वाले लेयर में ही ऐड होगा, ठीक है। तो अगर आप उसको नीचे ऐड करना चाहते हैं इफेक्ट्स की तरह तो आपको यहाँ पर लेयर पर जाना है और मीडिया पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको ये वीडियो एडिटिंग समझ में नहीं आ रही तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि कैन मास्टर से रिलेटिव होगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट वीडियो एडिटिंग बहुत आसानी से सीख पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिंपली इफेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी फाइल मैंने बताया आपको क्रोमा की कैसे यूज करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जैसे कि मैंने कोई यहाँ पर एक फाइल ले लेता हूँ जो कि यहाँ पर क्रोमा की तरह यूज की जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड की और ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रीन जो है वो ही क्रोमा की के यूज में आता है। तो जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, वो कैसे हटेगा, तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करके लाएंगे और यहाँ पर आपको अप डाउन करना है तो यहाँ पर एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा। आपको फाइल पर से क्लिक कहीं भी नहीं करना है, अभी फाइल पर आपको एक यहाँ पर चारों तरफ अराउंड में चलते हुए दिख रहा होगा तो इसे चलना चाहिए और उस पर क्रोमा की के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करते ही तो यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इस तरह से आप क्रोमा की का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको एडवांस बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एनिमेशन मिल जाता है अगर कोई आप इफेक्ट लगा रहे हैं तो इनमें आपको क्या लगाना है, फेड करना है, तो इस तरह के आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे। या आप हमेशा के लिए इस पर पूरे वीडियो पर शो करता रहे तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको इफेक्ट्स को फिर से आपको लगाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओवरऑल, तो यहाँ पर ये लगातार इसी तरह से ही इफेक्ट्स अपने देखता रहेगा, एनिमेशन करता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आउट एनिमेशन भी मिल जाएगा कि जब आपका वीडियो ख़त्म होता है तो लास्ट में आप उस तरह से एनिमेशन लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मूवी वगैरह भी डायरेक्ट यहाँ पर शूट करके आप एक मूवी जैसे इफेक्ट लगाकर बना सकते हैं। ये छोटा मोटा कोई वीडियो एडिटर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी एडवांस वीडियो एडिटिंग होती है और मैं इसे पर्सनली भी इसे यूज करता हूँ, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं और आप ज़्यादा चाहते हैं यहाँ पर कुछ सारे तरह के इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप सारी फाइलें यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रही हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जैसे मैंने बताया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ
और फ्रेंड यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं इससे रिलेटिव जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर आप हर तरह के वीडियो बना पाएंगे, चाहे आपका वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो यहाँ पर आपको सारे रेशियो मिल जाते हैं, उसी के अनुसार शेयर कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वहाँ से फाइल अपना जो प्रोजेक्ट है उसे शेयर करके कैन मास्टर पर और एडवांस बना सकते हैं। लेकिन आप 10-15 सेकंड में बनाते हैं तो वो डायरेक्टली वहाँ से ही आप कर सकते हैं अपने अनुसार, वो क्विकली बहुत ही जल्दी आपको बना के दे देता है इफेक्ट। आपको नाम सेलेक्ट करना है, आपको कैसे बनाने हैं, आपको यहाँ पर संडे प्लान करना है या आपको यहाँ पर कलर्स के अनुसार कोई वीडियो बनाना है 10-15 सेकंड में, वो स्टेटस वीडियो ऑटोमेटिकली उसी सेकंड में बना देता है। और एडवांस सेटिंग करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं प्रोजेक्ट शेयर करके। चलिए फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू चैनल।